मॉर्निंग, वेलकम टू बजाज फाइनेंस। माय नेम इज शैफा, हाउ मे आई हेल्प यू? मैम, मैंने अभी जल्दी में बजाज का एक ईएमआई कार्ड जो है नया नया बनवाया है, ओके सर। और मेरे ईएमआई कार्ड से मैम ऑनलाइन जो है ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है मैम, नॉट एलिजिबल लिख के आ ओके जा रहा सर, है कहीं जैसे भी शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, ओके 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 सर, जैसे तो उसी के बारे में कि मैं जानकारी जान चाहिए पा मैम। रही हूँ। ओके ओके सर, जैसे कि मैं जान पा रही हूँ सर, आप बोल रहे कि आपने अभी मैं कार्ड बनवाया है, और जब आप ऑनलाइन के लिए परचेज करने के लिए गए थे तो वो नॉट एलिजिबल दिखा रहा है ना जी सर? जी 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 मैम क्या आप लाइन पर? ओके, क्या आप लाइन पर हो सर? क्या आपको मेरी जी आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ जी मैम, सुनाई दे रहा है मैम। ओके सर, इससे पहले थैंक यू फॉर कॉलिंग फ्रॉम द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सर, क्या मैं आपके नाम जान सकती हूँ? मैम मेरा नाम है दीपक चौरसिया। ओके दीपक जी, थैंक यू फॉर द डिटेल्स, क्या मैं आपकी कॉल को 1 मिनट के लिए होल्ड पर रख सकती हूँ आपकी डिटेल्स जानने के लिए? ओके मैम, ओके। तो भाई लोग, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, कस्टमर केयर वालों ने अभी जो है होल्ड कर दिया हमारी कॉल को। उसके बाद ये जो है देखो क्या बताते हैं कि हम अपने ईएमआई कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। देखो यार आगे ये लोग क्या जो है बताते हैं। A few moments later. प्रतीक्षा करने के लिए धन्यवाद दीपक सर। जी मैम बताएं। ओके, जैसे कि आपने कहा कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हो ना सर? जी मैम बजाज से। ओके, आपने 20 को ट्राई किया था ना? जी ओके सर, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने क्या परचेज करने के लिए ट्राई किया मैम, एक बार तो मैम मोबाइल किया था, दूसरी बार फ्रिज किया था, था? ओके सर, सर वो वॉशिंग मशीन। आप जो है, ओके दीपक सर, क्या है कि आप पहला प्रोडक्ट खरीदते हो उनको तो ईएमआई कार्ड से, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है ना दीपक सर, वो ऑफलाइन होना चाहिए, ठीक है? अच्छा मैम, फर्स्ट ट्रांजेक्शन दुकान से करना पड़ेगा क्या हमको? हाँ, इसीलिए आपका ट्रांजैक्शन जो है ना वो फेल हो, लाइक नॉट एलिजिबल आपने बोला है ना, जी। इसीलिए वो ऐसा दिखा रहा, ऐसा दिखा, क्योंकि फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो ऑफलाइन के थ्रू होना चाहिए। 45 डेज के बाद, एक मिनिमम गैप 45 डेज है, उसके बाद आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हो। अच्छा मैम, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमको ऑफलाइन करना होगा, उसके बाद 45 दिन बाद हम इसको ऑनलाइन भी यूज कर पाएंगे। हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं सर। तो मैम ऑफलाइन जो है शॉपिंग करने पे डाउन पेमेंट करना पड़ेगा वो क्या? डीलर के ऊपर डिपेंड होता है दीपक सर, अच्छा ओके मैम, चलिए ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू सो भाई मच। लोग, जैसा कि आपने देखा, मैंने आपके सामने लाइव जो है बजाज के कस्टमर केयर से कॉल करके बात किया कि हम जो है फर्स्ट टाइम अपने बजाज ईएमआई कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमारे सामने नॉट एलिजिबल का एरर क्यों आ रहा है। तो आपने देखा, उन्होंने बताया कि आपको अपने बजाज ईएमआई कार्ड से पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना होगा, फर्स्ट टाइम आपको ऑफलाइन शॉपिंग करना होगा। ऑफलाइन शॉपिंग करने के बाद 45 दिन बाद जो है आप अपने ईएमआई कार्ड को ऑनलाइन भी यूज कर पाओगे। तो यही जो है इसका सोल्यूशन है, आई होप आप जान गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ में अगर आप अर्निंग करना चाहते हो तो इसके लिए आप एक काम करो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो यार, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।